नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं जयंत साध्य पीएससी की टीम की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सीमा जी, रतन कुमारी जी, कौशल साहू जी, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आवाज़ अच्छे से आ रहा है कि नहीं, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो देखने वाले हैं, याद रखना है आपको, हाल ही में 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है करके पूछा जाएगा, और कौन से नंबर का है करके पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कौन से नंबर का है। सरस्वती सम्मान जो होने वाला है, 31वां सरस्वती सम्मान ये मिला है इस साल का, आपको याद रखना है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मिला है, याद रखेंगे, पेपर में आपसे पूछा जाएगा कौन से नंबर का 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है किनको, तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को किया गया है, याद रखना है आपको। पेपर में हर बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला याद रखना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन से नंबर पे है, 150वें नंबर पे। कौन से क्षेत्र में? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आपको याद रखना है। पेपर में पूछा जाता है विश्व स्तर पर भारत के अलग अलग सूचकांक और सूचियों के बारे में, तो आपको याद रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है अगर कि पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है 150वें स्थान पर है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं 26 मई 2022 को राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था करके पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया था, आपको याद रखना है। चूंकि केवल राष्ट्रीय महिला विधायक बोला गया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि 26 मई 2022 को जो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था? तिरुवनंतपुरम में हुआ था, आपको याद रखना है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला हम देखते हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2022। कौन सा? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था अगर कि पूछा जाएगा, तो याद रखना है स्पेन में किया गया था। मैंने बात किस चीज के बारे में किया है, तो याद रखना है आपको नाटो शिखर सम्मेलन के बारे में। किसके बारे में? नाटो, याद रखना है नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजन किस देश में हुआ था अगर कि पूछा जाएगा आपसे, तो आपको याद रखना है कहां पर हुआ था? स्पेन में हुआ था, आपको याद रखना है। वहीं हम बढ़ते हैं, कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान 2022 प्राप्त हुआ है अजय पीरामल जी को। किनको प्राप्त हुआ है? अजय पीरामल जी को। कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान 2022 प्राप्त हुआ है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है आपको अजय पीरामल जी को प्राप्त हुआ है कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान 2022, याद रखना है आपको। नाम क्या बताया मैंने? अजय पीरामल, आपको याद रखना है। वहीं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो किस देश के 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की, तो याद रखना है श्रीलंका ने किया है। किसकी मेजबानी? 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के बारे में। अभी आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट याद करते ही जाइए, एकदम ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, आपको मेंस नहीं लिखना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टिक करके आना है, तो याद रखना है डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन को जो है वो याद करने का कोशिश करिए, एकदम डिटेल इस टॉपिक के बारे में जानने का कोशिश मत करिए। आगे हम देखते हैं 47वां G7, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 47वां G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में। पेपर में हमेशा पूछा जाता है G20 सम्मेलन, G7 सम्मेलन, तो याद रखना है आपको 47वां G7 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है करके पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है जर्मनी में। कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में हुआ है, आपको याद रखना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। चलिए ऑनलाइन कमेंट करके बताएंगे आप लोग 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए ऑनलाइन जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी, रामेश्वर जी, कौशल साहू जी, सुधीर जी, अर्चना जी, मधु जी, रितु जी,
के चंद्राकर जी, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ऑनलाइन, 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। चलिए हम बढ़ते हैं तब तक आगे आपके आंसर के आते तक। चलिए नाम बताएंगे जी, नाम बताएंगे कौन सा नाम है वो। पास में तो आप पहुंच गए हैं बिल्कुल। चलिए याद रखना है आपको, हाल ही में अप्रैल माह में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है? किसको किया गया है? रूस को। बेहद इंपॉर्टेंट है आपका ये वन लाइनर क्वेश्चन, पेपर में पूछा जाने लायक है। लगातार रूस और यूक्रेन चीन युद्ध आपके, नहीं लक्ष्मी यादव जी, कौशल जी, गुरु घासीदास नहीं आएगा, अनिल साहू जी पास में पहुंच चुके हैं। अनिल साहू जी नाम भी याद करने का कोशिश करिए। चलिए बाकी लोग भी जवाब दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं चुपचाप बैठ के नहीं देखते रहेंगे। एमपी में भी नहीं है, एमपी वाला भी नहीं है। हाल ही में अप्रैल माह में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर किया गया है? तो रूस को किया गया है, याद रखना है आपको। वहीं हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में 32वें थॉमस कप का विजेता कौन सा देश है? आपको याद रखना है 32वें थॉमस कप का विजेता कौन है? भारत है, याद रखना है। पेपर में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। गुरु घासीदास नहीं है, और गुरु घासीदास रायपुर में भी नहीं है, ये भी आपको बता दूँ, गलत है आपका जवाब। आगे हम देखते हैं, किस स्थान में विश्व आर्थिक मंच 2022 बैठक हुई है? तो याद रखना है स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? विश्व आर्थिक मंच 2022 की बैठक कहाँ पर हुई है करके आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो याद रखना है विश्व आर्थिक मंच 2022 की बैठक हुई है स्विट्जरलैंड में हुई है, आपको याद रखना है। वहीं हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश को ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया था? पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है। चलिए किसी का जवाब नहीं आ रहा है, एक का जवाब आया है, बिल्कुल सही है उनका जवाब। याद रखेंगे आपका 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपका याद रखना है 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़विजधारी। कौन सा है? रामगढ़विजधारी, जो कि आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखना है राजस्थान में, ठीक है। वहीं हम देखते हैं 93, तो 93वां वाला है आपके गुरु घासीदास, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को मिलाकर बनाया गया है, याद रखेंगे गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो याद रखना है 52वां, गुजरात नहीं आएगा, गुजरात बिल्कुल नहीं आएगा, याद रखना है 52वां रामगढ़ विजधारी हो गया, जो कि राजस्थान में स्थित है। 93 नंबर का आपको याद रखना है गुरु घासीदास, तमोर पिंगला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और वहीं आपको याद रखना है 54वां रानीपुर आपका स्थित है, कहाँ पर? रानीपुर राष्ट्रीय, सॉरी रानीपुर बाघ अभ्यारण्य आपका स्थित है, यानी कि टाइगर रिजर्व, याद रखना है ये स्थित है आपके यूपी में। पेपर के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। 52वां रामगढ़विजधारी कहाँ स्थित है? आपके राजस्थान में। 93 जो कि गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला कहाँ स्थित है? आपके छत्तीसगढ़ में। और 54वां आपका रानीपुर कहाँ स्थित है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है पूछा जाएगा, तो यूपी में। बेहद ही इंपॉर्टेंट है करेंट के पर्पज से, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछना कन्फर्म है, आपको बता रहा हूँ मैं, इसीलिए आपको याद रखना है। एमपी, यूपी, गुजरात इधर उधर नहीं लेना है। 52वां कहाँ है? रामगढ़विजधारी आपके, याद रखना है आपको, राजस्थान में है। 93 गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला दो को मिलकर बनाया गया है आपके छत्तीसगढ़ में। और ये वाला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिला रहे हैं तो याद रखना है 93वां टाइगर रिजर्व है आपका गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला। और वहीं अभी लेटेस्ट बना है 54वां रानीपुर बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है,
हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चालू हुआ है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है किसके किसके बीच हुआ है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में याद रखना है आपको मिताली एक्सप्रेस स्टार्ट हुआ है, याद रखना है आपको। वहीं हम बढ़ते हैं आगे, तो हाल ही में किस राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समता की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है तेलंगाना में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्तमान में आपकी समता की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है, और कहां पर किया गया है करके पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कहां पर किया गया है, तेलंगाना में किया गया है, आपको याद रखना है। वहीं हम देखते हैं थर्बिस वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है, तो याद रखना है रेबीज। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किसके काटने से रेबीज होता है, कमेंट करके बताएंगे आपको। और थर्बिस वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है करके पूछा जाएगा, तो रेबीज बीमारी से संबंधित है, आपको याद रखना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसके काटने से रेबीज होगा। वहीं याद रखना है आपको हाल ही में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है करके पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कौन से राज्य में स्थापित किया गया है, ये पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखना है असम में किया गया है, आपको याद रखना है कहां पर किया गया है। चलिए याद रखना है आपको क्या चीज, कि हाल ही में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर है करके पूछा जाएगा, तो असम में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके वन लाइनर क्वेश्चन, थोड़े समय पश्चात हम मिलेंगे फिर से। आप लोग कुत्ते बिल्ली में उलझ के रह जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे, अच्छे से पता करिए फिर आप लोग मुझे बताएंगे। कुत्ता बिल्ली करते करते कुत्ता बिल्ली एक दूसरे के पीछे दौड़ने लग जाएंगे। रेबीज बहुत ही फेमस बीमारी है जो कि किसके काटने से होता है, आपको पता करना है, कटवा के नहीं देखना है कि होता है कि नहीं होता करके, ठीक है। चलिए जवाब देंगे आप लोग जल्दी से, फिर से मिलते हैं थोड़े समय पश्चात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।